हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है इटालियन एडिबल्स का, जो ओपन होगा 2 फेब को, जहां पर हम आज की इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा, बट फाइनल डिसीजन नहीं है। और अगर बाय चांस काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और मार्केट का मूड माहौल ठीक रहता है और अच्छी डिमांड भी इस आईपीओ में देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि मैं यहां पर अपना डिसीजन कन्वर्ट कर लूं। बट आज के टाइम पे ऑन द फेस ऑफ टूडे इस आईपीओ को स्टडी करने के बाद अभी तक का डिसीजन इसमें मेरा ना ही होने वाला है, बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, तो बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो वहां पर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 में। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो ये ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट, जैसे कि रबड़ी। आई होप कि आप सभी ने रबड़ी खाई होगी, अगर खाई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिल्क पेस्ट, चॉकलेट पेस्ट, लॉलीपॉप्स, कैंडल, जेली स्वीट्स, मल्टीग्रेन पफन बंस एंड फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स अंडर इट्स ऑफ कोर्स ब्रांड। और उसी के साथ साथ कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है, दोनों इंदौर में होने वाली है। और कंपनी की प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया है, स्पेशली रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, एचपी, जेके, झारखंड, कर्नाटका, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। और उसी के साथ साथ कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को टू वेरियस कंट्रीज, जैसे कि नाइजीरिया, यमन, सिंगेल एंड सूडान। और एज ऑफ 31 अगस्त 2023, अगर हम कंपनी के कस्टमर्स लिस्ट देखते हैं, तो वहां पर चॉकलेट वर्ल्ड, युवराज एजेंसी, बेकवल बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड, आर के प्रभाती ट्रेडर्स, ममता स्टोर्स, माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के कस्टमर्स होने वाले हैं। इन एडिशन इनका एक प्रोडक्ट जो नेमली होता है जेली कैंडीज का, वो बेचा जाता है दरपाल प्रेमचंद लिमिटेड, यानी कि बाबा ग्रुप को। कंपनी की एक डेडिकेटेड सेल्स एंड मार्केटिंग टीम होने वाली है, जिसमें 15 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो एक अच्छा काम होने वाला है, बट साथ के साथ ये एक ऐसा काम है जहां पर काफी ज्यादा कंपटीशन भी होने वाला है, तो इस पॉइंट को भी हमें नोट आउट रखना पड़ेगा। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 2 फेब को, क्लोज होगा 7 फेब को, अलॉटमेंट होगी 8 फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 9 फेब को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स इफ अलॉटेड 9 फेब को, लिस्टिंग डेट होने वाली है इसकी टेंटेटिव 12 फेब की। अदर डिटेल्स की बात करते हैं, तो ₹10 पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है, प्राइस होगा ₹68 पर शेयर का, लोड साइज होने वाले 2000 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 26.66 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम आईपीओ के कोटा की बात करते हैं, तो वहां पर 50% होने वाला है रिटेल कैटेगरी में और 50% होने वाला है अदर कैटेगरी में। अगर हम आईपीओ के लोड साइज की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में एक लोड 2000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,36,000 रुपीज की। एचएनए में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,72,000 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर अजय मखीजा, अक्षय मखीजा कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू शेयर होल्डिंग थी इनकी 100% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 73.47% की। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, यानी कंपनी के सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले टोटल सेट 2021 में था 39 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते 31 अगस्त 2023 तक पहुंच चुका है 48 करोड़ का। अगर आप रिसेंटली देखोगे 2021, 2022, 2023, तो वहां पर इतना ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला है, और आईपीओ आने से जस्ट पहले हमें यहां पर अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। बट ओवरऑल में अगर हम ग्रोथ देखें, तो इतनी अच्छी ग्रोथ रेट हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं, 2021 में था 48.99 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ 75.45 करोड़ का, 2023 में काफी ज्यादा डिक्रीज हमें देखने को मिला है, और वहां पर 63.3 करोड़ का हमें टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम 31 अगस्त 2023 में देखते, तो वहां पर
30.52 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, जहां पर जो हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जो भी जो हमारा जितना खाने पीने वाला सेक्टर होता है, मतलब कि वहां पर हमें कंपनी की सेल्स में दिक्कत देखने को मिल रही है, और जितने भी खाने पीने वाले सेक्टर है वहां पर सेल्स की काफी ज्यादा इंपोर्टेंस होती है, जिसकी वजह से जहां पर भी हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 86 लाख का, 2022 में 80 लाख का कम हुआ है, 2023 में इंक्रीज हुआ 2.64 करोड़ तक का, और वहां पर 31 अगस्त में अगर हम देखते हैं 2023 में तो 2.09 करोड़ का। यहां पर हमें रेवेन्यू में तो अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिला है अप्रोक्स 16% का, बट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला अप्रोक्स 230% का। मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि रेवेन्यू तो कम हो गए बट प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुए, जो एक सोचने वाला पॉइंट हो जाता है, और वो भी आईपीओ आने से जस्ट पहले, और यहाँ पर तो पहले ही क्वार्टर में हमें इतना अच्छा अमेजिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो वहां पर काफी ज्यादा मन में शंकाएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट इस आईपीओ के फाइनेंशियल पे मेरा ऑटोमेटिकली जा रहा है। अब ये जहाँ पर सिर्फ कागजों में है या रियल में ऐसा है वो तो खैर हमें नहीं पता, बट जो हमें कंपनी के द्वारा दिखाया जा रहा है वहां पर थोड़ा सा विश्वास करना डिफिकल्ट हो रहा है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 12.87 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 2 करोड़ का इनके पास कैश अवेलेबल है। अगर मैं ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करूं, अगर मैं टॉप लाइन की बात करता हूं तो मुझे वहां पर दिक्कत देखने को मिल रही है, बॉटम लाइन की बात करता हूं तो वहां पर मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, बट अगर मैं ओवरऑल में बात करता हूं तो थोड़े से जहां पर फाइनेंशियल मेरी समझ से बाहर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के फाइनेंशियल सिर्फ ओके ओके होने वाले हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, आखिरकार ये आईपीओ आ ही क्यों रहा है, तो वहां पर इनको सेटअप करनी है एक प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, रीपेमेंट करनी अपनी कुछ बोरिंग्स की, थर्ड इनको इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और फोर्थ होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को चेकआउट करते हैं तो वहां पर कंपनी की मार्केट कैप होने वाली है 100.48 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 2.43 की, पोस्ट आईपीओ 3.41 की, काफी ज्यादा कम है। पी की बात करते हैं तो प्री आईपीओ 27.94 की, पोस्ट आईपीओ 19.97 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.5% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 19.32% की, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.6 की, काफी ज्यादा है, जो एक हमारे लिए क्वेश्चन पॉइंट हो जाता है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 24.50% की, आरओई आरओसी रिटर्न ऑन नेटवर्क वहां पर हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.08 की। ओवरऑल में मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, क्योंकि डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा है और ईपीएस काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इसके फंडामेंटल भी हम ओके ओके बोलेंगे, क्योंकि वहां पर हमें ओके ओके इसलिए बोल दिया क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी एंड आरओएनडब्ल्यू हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के पीयर कंपटीटर्स में जाकर बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आता है लोटस चॉकलेट का, जिसका पी नेगेटिव में है क्योंकि ईपीएस माइनस में है। तापी फ्रूट प्रोसेसिंग का, जिसका भी ईपीएस नेगेटिव है तो उसका भी पी हम निकाल नहीं सकते, तो वहां पर हम इनको डायरेक्टली कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो वहां पर कोई भी काम ग्रे मार्केट में नहीं हो रहा है, और अगर हम वैल्यूएशन वाइज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इस आईपीओ को, तो अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा को लेकर चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं, देखो ये फिगर्स कैसे आए हैं वो मुझे नहीं पता, बट अगर मैं इन फिगर्स के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो 2024 डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है, मतलब कि कंपनी का आईपीओ ना तो सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, जिसकी वजह से जहां पर हल्का फुल्का मैं इस आईपीओ को स्टडी करना चाहूंगा किस तरीके से मुझे वहां पर इसकी डिमांड, किस तरीके से एचएनआई में सब्सक्रिप्शन और किस तरीके से मार्केट का मूड मोड रहता है, तो वहां पर जो मैंने स्टार्टिंग में हल्का सा डिसीजन छोड़ा है पेंडिंग में कि देखना चाहूंगा, अगर वो मुझे काफी अच्छा मिल जाता है तो वहां पर मैं बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूं, बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। हमने जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, ये किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने रिस्क फैक्टर को देख लीजिएगा, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।